इसको अधिक से अधिक विकसित करें। अब यहाँ सोनी है बोलेगी। क्या लिखा हुआ सर? बोधि मूल लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, बोधि मूल बहुत बाद में लोग आए तो यहाँ पे कुछ और लिख दिए। और इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत जबरदस्त, क्लेश कांतार। कांतार मतलब जंगल, क्लेश मतलब दुख, दुखों से भरा हुआ जंगल। यहाँ इसका अर्थ यही हुआ, इसका मतलब है जिस काल का यह अभिलेख है उस काल में यहाँ पे आबादी बिल्कुल नहीं थी और एक तरह से पूरा घनघोर रहा होगा, कुछ बहुत गर्मी रहता होगा, यहाँ लोग आके समाधि ग्रहण करते होंगे, अपनी डायरेक्ट मृत्यु प्राप्त करते होंगे, मतलब तो उसी तरह का बहुत सारे अनुमान लगा सकता है। क्योंकि चलो चलो चलिए, बहुत धन्यवाद सर, जल्दी लाइव होते हैं दूसरे केव में जाने के बाद। अंदर नहीं गए? ओके बाय। अंदर देख लिए? अंदर घूम लिए? लाइट जलाइए जरा सा, अंदर हम ये देखें क्या है। बहुत बहुत ही है। क्या चमक है? हाँ, शाइनिंग दिखता है।
बड़ा ही गुफा है और इतने गुफा के बावजूद भी उस समय का जो देखा जा रहा है चित्रकारी जारी नहीं किया गया है। किसको साहब आते हैं? किसको साहब आते हैं? अभी कौन है? अभी तो कोई नया है। धनंजय सिंह आए हैं सर, देख रेख झाड़ू बहाड़ू सर, सफाई सुथरा मिलते कोई आए तो आप लोग कुछ अनुभव शेयर करेंगे। कैसा लगा दोनों में तुलना? बिल्कुल सर। क्या दोनों में जो पत्थरों के अंदर की जो चिकनाहट थी ये पूरा वो वहाँ की तरह साफ झलक रही थी सर, वहाँ पे थोड़ा खुरदरा सरफेस देखने को मिला था और यहाँ पे एकदम चले फिर लाइव होते एक जगह जो अशोक समय के पश्चिम रास्ता अच्छे कटा हुआ 242 रास्ता से चलिएगा, वो रास्ता से है ना, तीस रास्ता से गाड़ी पास उतर जाइएगा, अशोक समय का स्टेप कटा हुआ 242 वो विश्व झोपड़ी नाम है, विश्व मित्र गुफा से जानते हैं। तो ये कहाँ से दूर है? यहाँ से नहीं, ये बगल में है, जिस वो रास्ता से उतर जाना है नीचे। अच्छा अच्छा जी, इसके ऊपर भी ऊपर कैसे गया है लोग सब? पीछे ये पीछे तरफ ऊपर चलिए ना, ऊपर वाला बगल साइड में है, ऊपर भी तो जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो बड़ा है, सॉरी सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, अंदर नेटवर्क गायब हो गया था अंदर गुफा में, आपको लग रहा होगा कितने थके गए हैं, अंदर में उमस टाइप का, अभी लोग आ रहे हैं देखिए, ऑक्सीजन तो बिल्कुल खत्म हो गया। आइए आइए सर आइए, आपको सोनी बताएगी यहाँ पे कैसा फील की दोनों गुफा में। हेलो दोस्तों, अभी हमने पहले देखा उस गुफा में कलाकृतियाँ तो वहाँ भी थी और देखने को वहाँ भी बहुत अच्छा मिला, लेकिन कहाँ रह गए आप लोग सब गुफा? वो लोग घूमे हैं, ये घूमे हैं, आप लोग भी घूम लीजिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस आईने में आप भी अपनी शक्ल देख लें, एक बार जरूर आए यहाँ पे और मेरी तरह आप भी बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे। और बताइए, हमारे साथ ही कितने सारे शोधार्थी हैं जो हमारे साथ आए हैं और इस सब प्राचीन मौर्य कालीन स्मृति को बहुत बहुत बढ़िया लगा। अंदर दो गुफा एक ही तरह का, लोमस ऋषि भी और सुदामा भी, लोमस ऋषि में अशोक का अभिलेख नहीं है, सुदामा बिल्कुल वैसा है, क्योंकि कारण जानते ही ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि लोमस ऋषि बनाते बनाते ऊपर में दरार फट गया था, इसलिए अशोक ने सोचा था तो बेकार हो गया, अब इसमें इंस्क्रिप्शन खुदवाने से क्या फायदा, तो जस्ट बगल में इसी का सुदामा गुफा का निर्माण करवाया, बिल्कुल वैसा है, उसी शेप एंड साइज में लगभग और उसी आकृति का, और यहाँ उसने अपने डुआडस वसाविते ने मतलब अपने शासन के 12वें वर्ष में राजा प्रियदर्शी लाजिना प्रियदर्शिना ने इस अशोक को आजीवक संप्रदाय को दान दिलवाया। लेकिन बहुत दुखद बात, अशोक ने तो इसे आजीवक तो दे दिया था, लेकिन आजीवक शब्द को लोगों ने मिटा दिया, अभी नहीं उसी काल में आपस में वैमनस्य की भावना जरूर रही होगी, कई धर्मावलंबियों के बीच में लोग अपने अपने को, जब राजा अशोक का मृत्यु हो गया होगा तो इस गुफा को अपने अपने धर्म से संबंध से जोड़ने का प्रयास किए होंगे, इसी कारण से बाद में क्लेश कांतार लिखा गया, बाद में बोधि मूल लिखा गया, अलग अलग धर्मों के लोग ने अपना लिखवाया है। तो ये तो मेरा अनुभव था और बाकी लोग उनका अनुभव भी जान लीजिए। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अंदर इतना ज्यादा सफोकेशन है कि हम लोग 2 मिनट नहीं रुक सकते, और जिन लोगों ने गुफा बनाया होगा वो कितने आश्चर्य की बात है कि कितना टाइम हमारे अंदर इतनी स्टैमिना नहीं है। अभी देखिए बिल्कुल 2 मिनट में सब बाहर आ गए थे, गर्मी लग रही थी, वो लोग कितना मेहनत किए होंगे इसके लिए। थैंक यू। और अद्भुत सी चमक देखने को महसूस हो रही है, ये आप मेरी बातों से अंदाजा नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए एक बार, और आप खुद ही आके अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ की कलाकृति, ये मानव निर्मित गुफा कितना, किताबों में लिखी बातों को किताबों तक ही सीमित रहने दे और यहाँ आकर के उन बातों का जीवन अनुभव करें, जीवन में खुद स्वयं ही अनुभव करें।
गोली बोली लेकिन गार्ड के द्वारा जो बताया वो ही बात बोल दीजिए कि ये क्या एयर कंडीशन पहले था कि गर्मी में ठंडा और ठंडे में इस गुफा की विशेषता है ठंडा और में गर्म रहती थी। और आपसे भी अनुरोध है कि यहाँ आए और इतिहास का जीवंत रूप देखकर उसका अनुभव करें, उसे अपने यादों में समेटें और यह भी महसूस करें कि इतिहास न केवल आज के लिए बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। वेरी गुड। उनको भी दीजिए गांधी जी। बच्चे का कुछ तब ना बोलेंगे, बच्चे कहाँ रहा है? गांधी जी कुछ बोल रहे हमारे बीच है। गांधी जी है, शैलेश गांधी जी है जो अपनी बात को रख रहे हैं। नेपाल से आए हैं और वो इंडिया के जो है यहाँ पे पहले जो फर्स्ट केस है उसे देख कर जो है वो अपनी बात को रख रहे हैं। आप दीदी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शैलेश जी। हेलो, मैं शैलेश गांधी। बहुत अच्छा हो गया कि इतना एक्साइटेड हो गया। यहाँ ग्रुप रूप फोटो हो जाना चाहिए। नहीं बोल रहा था, अभी बोलने लगा लाइव तो समझ एक रोमांच है। रवि ऑटोमेटिक बोलने लगा, अपने आप को रोक नहीं पाया प्ले करने के। नीचे में ना लाए क्या? मैं हमको उस लोग नागार्जुन अंतिम में 20-20 झोपड़ी गुफा देख के नीचे उतर जाएंगे, वहीं खा के नीचे उतर जाएगा। दूसरा ग्रुप नीचे कीजिएगा। अच्छा, इसके ऊपर भी चढ़ना है क्या? अब इसके ऊपर ने बहुत डेंजरस है और ऊपर चढ़ेंगे आप महसूस कर रहे होंगे कितना खतरनाक जगह है। पूरा क्लेश का अंतर अभी भी नजर आ रहा है, दुखों से भरा हुआ बहुत दर्दनाक सीन नजर आ रहा है। झाड़ियाँ झाड़ियाँ जंगल जंगल ऊपर चढ़ने का उधर से है, जिधर से भी उतरे ना हम लोग। हाँ उधर से एक बार चढ़ा जाए। परवेज जी को बोलिए, कुछ लोग चढ़ना चाह रहे, चढ़ा जाए। हाँ चला जाए ऊपर। लेकिन यहाँ एक ग्रुप फोटो लीजिए सर, समझे? यहाँ एक ग्रुप फोटो लीजिए जो कि लोगों को आना चाहिए दोनों जगह, क्योंकि उसका जो है ना थोड़ा सा आगे का बहुत अच्छा वो। हाँ वो सेंटर, वो भी अच्छा गेट है। हाँ उस गेट के सामने जो है ग्रुप फोटो लिया जाए, सामने जो गेट है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लाइक क्लेश कांतार, क्लेश कांतार बैकग्राउंड में रखो इसको, देव को बैकग्राउंड में। सो क्लेश कांतार इज इंस्क्राइब्ड है, व्हिच मींस लाइक अ फॉरेस्ट फुल ऑफ सॉरोस। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो अभी आएंगे तो आपको दुख बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि आप सुख और आनंद से। क्या बात शानदार। और सेकंड बात यह है कि लोग यहाँ पे आते थे तो समाधि ले लेते थे, लेकिन आप समाधि तो नहीं लीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ से जाने का मन बिल्कुल जाने का मन नहीं करेगा। इतना शानदार जगह है, क्योंकि हो ना भाई, क्यों ना हो, क्योंकि इंडिया का पहला मानव निर्मित गुफा है, मतलब पहला केव कहा जाए, मानव निर्मित केव मतलब इंडिया का पहला रॉकेट केव कहा जाए, जिसने किसी ने इसको बना, किसी ने सबसे पहले जो बनवाया इस धरती पर, भारत की धरती पर, वह यही गुफा था, यही इसके बाद ही कई गुफा का निर्माण किया। तो आप सभी लोग आइए और अपनी धरोहर को अधिक से अधिक जानिए। तो फिर हम लोग नई गुफा की तरफ हम लोग जा रहे हैं अभी, विश्व झोपड़ी की तरफ। वहाँ बकायदा अशोक का बहुत ही सुंदर अभिलेख है पूरे ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में। वहाँ से डायरेक्ट लाइव करके आपको अशोक का अभिलेख दिखाने का प्रयास करूँगा, और इसके साथ साथ आप भी वहाँ बैठे बैठे अशोक के लिपि का ककहरा भी जान लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप लोग कहीं जाइए नहीं और पूरे लाइव देखते रहें। बहुत जल्दी विद इन 10 मिनट्स हम लोग लाइव होने का प्रयास करेंगे। वहाँ नेटवर्क बहुत स्लो है यार, नेटवर्क मिल नहीं रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं आज कैसे इतनी खराब मौसम में भी इतना अच्छा नेट काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग जल्द मिलते हैं। सर, जाके बोलिए ना, जाके वही बोलिए नहीं।